हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कट्टी की सब्जी, जो कि बेसन से बनाते हैं दोस्तों। तो इधर ले लिया है मैंने बेसन, 1.5 कटोरी बेसन है मेरा। मैं इसे क्या करूँगी, छान लूंगी। छानना बहुत जरूरी है दोस्तों, बारिश के मौसम में कीड़े वगैरह हो जाते हैं। को स्ट्रेन कर लेंगे दोस्तों। इधर डाल देंगे हम लोग इसमें बेसन में सूखे मसाले, डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, डालेंगे थोड़ी लाल मिर्चा, सूखी लाल मिर्चा, ये कलर वाली नहीं है दोस्तों, लाल मिर्चा है तीखी वाली। डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, आधा आधा चम्मच से भी कम है थोड़ा है, दो चुटकी हींग है और दो चुटकी समझ लो मैंने लिया है जीरा। आप भुना जीरा भी ले सकते हैं, मैंने कच्चा जीरा डाला है, भुना नहीं है इसको, ऐसे ही डाला है इसमें। वैसे भी बॉयल हो जाएगा, फ्राई होगा ये। तो इसको क्या करेंगे, हम आटे के डो में की तरह लगा लेंगे इसको दोस्तों, एक डो फॉर्म में हम इसको करेंगे। लेकिन पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 चम्मच के करीब, ज्यादा नहीं डालना है दोस्तों, बस 1 चम्मच। इधर मैंने ले लिया 1 कप पानी, इसका डो लगाएंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बहुत ज्यादा गीला डो नहीं करना है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, गट्टे हमारे टाइट नहीं बनने चाहिए। गट्टे की सब्जी बनाएंगे तो सॉफ्ट डो लगाएंगे, इसी तरह से डो लगा। यदि देखिए दोस्तों, मैंने डो लगा लिया है, सॉफ्ट है डो। पानी अब अभी हमारा आधा कप से आधा कप बचा है, थोड़ा सा आधा कप से ऊपर खर्च हुआ है, जो भी आपकी क्वांटिटी रहे, 1 कटोरी, 1.5 कटोरी, 2 कटोरी पानी, मतलब इतना लगाइएगा। बहुत ज़्यादा ये लूज ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, मतलब इतना हो कि इससे पूड़ियाँ बेल सकें। तो आज हम पहले जैसे पुराने जमाने में दादी नानी बनाती थे ना गट्टे की सब्जी, उस तरह से बनाएंगे। इधर ले लेंगे 1 पतीला, इसमें ले लिया है मैंने 2 ग्लास पानी। इसमें डाल देंगे सरसों का थोड़ा तेल, सरसों रिफाइंड जो भी आप खाते हैं, वैसे सरसों का तेल सब्जी में यूज करेंगे तो इसलिए थोड़ा सा ये डालें, क्योंकि ये जो पानी है ये सब्जी में ग्रेवी में पड़ जाएगा, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, फिल्टर का पानी है। इसमें हम अपनी गट्टे बॉयल करेंगे, गैस की फ्लेम कर देते हैं ऑन और इस पानी को बॉयल कर देंगे। इसमें थोड़ा नमक भी डालेंगे दोस्तों, ये देखिए हमने डाला है आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा इसमें दोस्तों सरसों का तेल ही यूज किया करिए खानों में, खाने के लिए ज्यादातर। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पराठे तक सरसों के तेल के बनाती हूँ बच्चों को, क्योंकि घर का तेल है और बाहर का कोई भी तेल खाने लायक नहीं है। आप बॉडी में कंज्यूम करेंगे, आपको दिक्कत होगी बाद में। सरसों के तेल में सबसे बेस्ट सब्जी बनाइए, या घर का देसी घी हो। इसको बॉयल आने तक हम थोड़ा सा गैस की फ्लेम फुल रखेंगे, बॉयल आ जाएगा तो इसको धीमा कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जो डो था उसका रोल बना लिया है। अब इसको छोटे छोटे पेड़ों में काट लेंगे, छोटी छोटी पूड़ियां बना लेंगे। अभी बताती हूँ, मुझे बताऊंगी मैं, देखते रहिए, पूरी फुल वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, ये सारी उठा के रख देंगे और इसमें से लोई एक ले लेंगे, इसको रोल कर लेंगे, सारी लोइयों को ऐसे रोल कर लेंगे, लगाएंगे पानी लगा के इसको रोल करेंगे ताकि इसके लेयर्स जो है वो चिपक जाए, मतलब खुले ना ये। बाकी सारे रोल ऐसे ही बना लेंगे, आप बड़ी लोई की भी बना सकते हैं इस तरह से, हमने छोटी छोटी लोइयां ली है। ये देखिए ऐसे लेयर्स इसकी दिखनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक बड़ी सी लोई कर ली थी उसका बना लिया है, बड़ा सा रोल बन गया है। देखिए इसको आप बीच से कट करके छोटा छोटा करके, पानी देखिए हमारा बॉयल हो गया है, अब इसको छोटा छोटा कट कर लीजिए।
आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए हमने पानी में सारे डाल दिए, इनको बॉईल कर लेंगे अच्छे से। इसी तरह से सारे बॉईल कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों सारे गट्टे हमने बॉईल करने रख दिए हैं। इसको अच्छे से बॉईल करना है, ढक के बॉईल कर लेंगे। 5 से 10 मिनट तक हम इसको बॉईल होने देंगे। पानी भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा बॉईल होते होते, लेकिन धीमी आंच में करना है, धीमी स्लो फ्लेम पे, लो बिल्कुल फ्लेम पे, फ्लेम को फुल नहीं करना है, नहीं तो पानी जल जाएगा। धीमे धीमे इसको अच्छे से ढक देंगे। इधर देखिए दोस्तों बॉईल हो गए हैं, इसकी स्टीम आ रही है कैमरे पे, तो बॉईल हो गए हैं। ये देखिए बबल्स जैसे आ गए हैं इनमें, इस तरह से होने लगे, अच्छे से पक जाए ये। आपको आप लोग देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, पानी में से निकाल लेंगे, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये दोस्तों गट्टे हमने बॉईल कर लिए, बॉईल करके ठंडे करके इसको कट कर लिया है, इसको कर लेंगे फ्राई। ये देखिए कैसे इनमें होल हो गया है। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं, इनमें ग्रेवी भर जाती है। इधर हमने ले ली कढ़ाई, कढ़ाई हमारी ज्यादा गर्म हो गई है, तो ले लेंगे थोड़ा सा तेल इसमें सरसों का, ठीक है। अब ये गट्टे हैं इसी में डाल देंगे, इनको कर लेंगे फ्राई। थोड़ा सुनहरा कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन, हल्का सा कलर चेंज हो जाए इसका, कच्चापन निकल जाए, बस तब तक फ्राई करेंगे इसको। इधर हमारे गट्टे फ्राई होने हैं, ये देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है इनका, इस तरह से होंगे। इधर हम कर लेंगे ग्रेवी। ग्रेवी के लिए ले लिया हमने 2 टमाटर, इनका छिलका उतार लिया दोस्तों। 1 ले लिया प्याज, 2 से 3 लहसुन की कलियां हैं, और 2 से 3 हरी मिर्च है। ये जो पानी में बॉयल किया था हमने गट्टे जो बॉयल किए थे बेसन के, ये वो पानी है। इस पानी का हम ग्रेवी में यूज करेंगे दोस्तों। ये देखिए गट्टे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, कलर अच्छे से चेंज हो गए, इनको निकाल लेंगे। तो इसी सेम कढ़ाई में हम ग्रेवी बनाएंगे। इधर हमने मिक्सी के जार में प्याज लहसुन और 1 मिर्च डाल दी थी, जो मैंने 3 मिर्च ली थी उसमें 1 मिर्च इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। टमाटर इसी का पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हींग, सरसों का तेल है दोस्तों, और ये जो ग्रेवी हमने ग्रेवी के लिए प्याज पेस्ट बनाया था इसको भी इसी में डाल देंगे। इसको भुनने देंगे थोड़ी देर। तो भुनने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चा 1/2 चम्मच तक, थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे दोस्तों, कम लग रही है इनको। फिर इधर डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 चम्मच से ऊपर, 1 चम्मच मान के चलिए आप लोग, और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला हल्का सा, बिल्कुल नमक डालेंगे। मसाले को ढक के इसको हम लोग भुनने देंगे, तेल जब छोड़ देगा मसाला तब हम इसमें अपने गट्टे डालेंगे। इसको ढक देंगे ढक के थोड़ी देर। ये देखिए मसाले में तेल हमारा अच्छे से, मसाले ने छोड़ दिया है तेल दोस्तों। गट्टे की सब्जी भी बोली जाती है, हमारे यहाँ मीड़ा भी बोला जाता है। आप लोग क्या 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 बोला जाता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको, लिख के शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसमें हम डाल देंगे गट्टे सारे, जो भी फ्राई किए थे सारे इसमें डाल देंगे। डाल के मसाला अच्छे से इसमें कोट हो जाए। ये जो पानी हमने बॉयल किए थे गट्टे वो भी इसी में डाल देंगे। पानी अभी और लगाएंगे दोस्तों, इसमें पानी से नहीं होगा, ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है ना। ये वाला कप हमने 1 कप मीडे का जो बॉयल किया हुआ पानी था वो लगाया, और 4 कप पानी और लगाया, 5 कप, कुल 5 कप हमारा पानी इसमें लगाया।
क्योंकि इसकी ग्रेवी इसलिए पतली करनी पड़ती है। अब ये बनेगी, बेसन है दोस्तों तो ये गाढ़ा खुद ही खुद में खुद हो जाता बॉयल होने से, इसे थोड़ी पतली रखनी पड़ती है। बॉयल होगा करीब 20 मिनट के लिए, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। लो से मीडियम फ्लेम की फ्लेम रखेंगे, हाई नहीं करना है फ्लेम को, लो से मीडियम फ्लेम रख के और इसको पकाएंगे हम 20 मिनट के लिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों गट्टे की सब्जी हमारी बनके तैयार है। इतनी रखिएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी रखे रखे भी गाढ़ी होगी दोस्तों। इधर लगा लेंगे हम घी में या तेल में, जिसमें भी आप तड़का लगाना चाहें। जीरे का हरी मिर्च जो हमने स्वीट करके रखी है, देखिए दोस्तों हरी मिर्च जो हमने आपको दिखाई थी उसे लगा देंगे तड़का। आप लोग दोस्तों लगाना चाहे, पसंद करते हो तो लगा दीजिएगा तड़का, तड़के से स्वाद और बढ़ जाता है। ये देखिए दोस्तों मैंने सर्व करके दिखा दी है मीड़े की सब्जी। आप लोग लिटपिट वाली भी बना सकते हैं, हम लोग को चावल से खानी है दोस्तों तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी जरूरी है चावलों के साथ, बाकी अगर लिटपिट वाली बनानी है तो ग्रेवी थोड़ी कम रखिएगा बनाते समय। 4 कप की जगह 5 कप की जगह 2 कप पानी, 2.5 कप लगाइएगा, ज्यादा नहीं, आधा पानी लगाइएगा, क्योंकि इसको 20 मिनट बॉयल भी करना होता है। अगर राइस के साथ खाना है आपको तो इस तरह से बनाइएगा। और बताइए दोस्तों आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, अगर मेरे बनाने का तरीका जरा सी भी दोस्तों आप लोगों को अच्छी अगर वीडियो लगती है, रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। प्लीज दोस्तों बना के देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।